एक वेव फ्रंट्स में एक छोटा सा टॉपिक और बनाओ, शेप ऑफ वेव फ्रंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो इसमें दो तीन है जो कि बोर्ड्स में आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, लेट्स से अगर इस पे एक लाइट इंसिडेंट होती है, लेट्स से पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इसका जो वेव फ्रंट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट का वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होने वाला है इसके साथ? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ जाती है? डेंसर मीडियम में चली जाती है, जो अगले इमर्जेंट इमर्जेंट लाइट रिफ्रैक्शन के बाद बेंड हो जाएगी। हाँ जी, नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो है इसका जो अगर वेव फ्रंट हम बनाएंगे, वेव फ्रंट इसका होगा प्लेन वेव फ्रंट, दैट इज दिस इज द वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट है वो टिल्ट हो जाएगा किसी एंगल पे, क्योंकि लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी, लाइट इस ऐसे जा रही होगी। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट या इमर्जेंट वेव फ्रंट। बना लो इसे, इसके बाद अगर लेंस कन्वेक्स लेंस में से पास होता है तो क्या होगा? कन्वेक्स लेंस में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, लेट्स से पैरेलल बीम है, हो गया ये सबका? After passing through convex lens, इंसिडेंट बीम दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा इसका? कन्वर्ट फोकस पे जा रहा होगा। हाँ जी सर, सारी की सारी रेस जो है फोकस पे जा रही होंगी। तो जो वेव फ्रंट है उसकी शेप क्या हो जाएगी? उसकी शेप हो जाएगी ऐसे स्फेरिकल, स्फेरिकल हो जाएगी।
की सारी जो रेज हैं वैसे फोकस की तरफ जा रही होंगी। स्फेरिकल वेव फ्रंट का रेडियस बता सकते हो क्या होगा? एफ ही होएगा। एफ होएगा, करेक्ट। अमोल, टॉपिक शेप ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन। थर्ड, मिरर्स वैसे हमने सिलेबस में नहीं है बट नहीं किए हैं तो उसका भी वेव फ्रंट अगर हमें करना हो आफ्टर। इतना तो पता है तुम लोगों को कि अगर कनकेव मिरर से लाइट टकराएगी कनकेव मिरर पे अगर इंसिडेंट होती है पैरेलल लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मीट करती है? फोकस फोकस पे, फोकस पे है ना, ये पता है तुम लोगों को। तो लेट्स से दिस इज द कनकेव मिरर, इस पे इंसिडेंट लाइट वैसे ही ले आते हैं। और ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन है तो वेव फ्रंट ऐसा ही होगा। Now, after reflection, all the rays will merge, converge to the focus. इस केस में जो फोकस है मिरर्स के केस में वो आर बाय टू के बराबर होता है ना, यू नो दैट? यस। ठीक है, तो इस केस में स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है रेडियस तो वही होगा, फोकस ही होगा, बट इट इज आल्सो इक्वल टू आर बाय टू। तो ये क्वेश्चंस ना आए हुए हैं कि ड्रॉ द वेव फ्रंट After reflection from concave, yeah,
कन्वेक्स लेंस या प्रिज्म ना, तो तुम लोगों को ऐसे बनाना है। सारे केसेस तो तुम लोगों को आते, तो अगर कोई भी केस आ जाएगा तुम लोग बना सकते हो। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। चलो जी, तो ये तो सारी कहानी थी वेव फ्रंट्स की, ठीक है जी।